हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट बिट वेटिंग। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली चार एपिसोड सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीकली चार एपिसोड एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए एक या दो स्टॉक लेके आता हूँ जो आने वाले एक से डेढ़ साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो देखिए, अभी टीम इंडिया जीत चुकी है, तो आज हमें यहाँ पे सारे जितने भी इंडियंस हैं वो आज सारे बहुत खुशी मना रहे हैं और हम सब बहुत यहाँ पे खुश हैं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगा, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंटरनेट टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप्स में मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, प्राज इंडस्ट्रीज। देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज को मैंने इस एरिया पे हमारे प्रीमियम ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था और यहाँ से देखिए इसने रिटर्न दिया है। अभी तक अगर मैं आपको दिखा दूं, जुलाई 2023 से लेके अगर आप यहाँ पे देखें जून 2024 यानी कि 11 मंथ्स के अंदर इसने यहाँ पे हमें 73% के आसपास का रिटर्न दिया है। और ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ इस एरिया पे एक बार शेयर किया था। यहाँ से देखिए इसने एक बार फॉल किया इस एरिया पे, जो होल्ड कर रहे होंगे इस फॉल के बाद भी उन्हें 44% के आसपास तक का रिटर्न अब मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने दोबारा से शेयर किया था अभी रिसेंटली, यहाँ से जिन्होंने होल्ड किया होगा वहां पे उन्हें 26% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, एक बार को मैं यहाँ पे सब कुछ एक बार को हाइड कर देता हूँ, उसके बाद पूरी आपको मैं एनालिसिस करके समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ और इसे मैं क्यों लेके आया हूँ। ठीक है, ये है हमारा प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट। इस चार्ट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए मुझे इस तरीके से यहाँ पे कुछ होता हुआ दिख रहा है। क्या आपको ये चीज नोटिस हो रही है? ये देखिए, ये एक ऐसा एरिया था जहां जो ये पर्टिकुलर 2007 से यहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो रहा था। देखिए, यहाँ से हमें एक पहला फॉल देखने को मिला, दोबारा यहाँ पे प्राइस आया, यहीं से फॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए दोबारा यहाँ पे प्राइस आया, यहीं से फॉल, फिर यहाँ पे आया, फिर यहीं से फॉल, फिर यहाँ पे आया, फिर यहीं से फॉल। और ये जो फॉल है ना, करीब 2007 से यहाँ पे देखिए 2023 में यानी कि 16 साल बाद का यहाँ पे हमें प्राज इंडस्ट्री में ब्रेकआउट दिखा था। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट दिखा, देखिए ये साइडवेज एरिया यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया था ना जहां पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2021 से लेके 2023 ऑलमोस्ट 2.5 साल का समय बिताने के बाद प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा है। ठीक है, ब्रेकआउट करा है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सस्टेन किया और अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से यहाँ पे रेडी हो रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, बट कुछ खास उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। बट आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का हमारा ब्रेकआउट रिटेस्ट और अभी पर्टिकुलर स्टॉक रेडी है। यहाँ पे मैं आपको तीन टारगेट देना चाहूंगा। ठीक है, एक बार अगर यहाँ से आप एक चीज को समझे, दोबारा से मैं वो एरिया से एक बार कॉन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो रिटर्न्स कंपनी ने दिए, ये सारे रिटर्न हमें मिल चुके हैं। एक बार को यहाँ पे इसे फिर से मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो राउंडिंग कर्व इसने यहाँ पे बनाया, ये राउंडिंग कर्व कितने परसेंट का है एक बार को इसे हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। राउंडिंग कर्व जो है वो है हमारा 31% के आसपास का। यहाँ से हम 31% सीधा एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। स्विंग के मैं आपको फिलहाल अभी एक दो टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे अभी 728 पे चल रहा है, पहला टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 790 के आसपास का। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे वो होगा हमारे यहाँ पे 860 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में 1100 तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एक बार इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम यहाँ पे फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स के चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो देखिए हम आ गए हैं प्राज इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए ये मार्केट कैप 13,394 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 47.3 है और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43.1 है। तो ये अभी कुछ खास ओवर वैल्यूड मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरेज इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ साथ ही चल रहा है। कंपनी के रिटर्न कैपिटल 30 है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24.1% का है जो कि बहुत ही अच्छी
रिटर्न ऑन इक्विटी मानी जाती है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 32.8% के आसपास की है, इस चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। डिविडेंड यील्ड देखिए यहाँ पे 0.62% का है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे लेस देन 1 है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। तो चलिए एक बार को हम इसके क्वार्टरली सेल्स वगैरह एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली सेल्स वगैरह अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए कंपनी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ग्रोइंग कंपनी है और कंटिन्यूअसली नंबर्स ग्रो हो रहे हैं। बीच में थोड़े से कम हुए थे बट उसके बाद दोबारा से कंपनी ने एक जो स्पीड पकड़ा है, यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो होते हुए हमें दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी देखिए हमें क्वार्टरली बेसिस पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे हमें ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखे, देखिए सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीच पे थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद देखिए दोबारा से यहाँ पे जो कंपनी ने एक स्पीड पकड़ी है, यहाँ पे नंबर्स हमें कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे उसी तरीके से हमें कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस शीट अगर हम यहाँ पे देखें, कंपनी के पास देखिए 1240 करोड़ के आसपास का कैश है और यहाँ पे जो कर्ज है कंपनी के ऊपर मात्र 170 करोड़ है, जो कि चाहे अगर कंपनी तो आराम से पे ऑफ कर सकती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके एक बार हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह में चले जाते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास मात्र 32.81% की हिस्सेदारी है, बट एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि ये 32.81% की हिस्सेदारी है, साथ में ये जो FIIs है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी मानी जाएगी 19% के आसपास की। और देखिए DIIs के पास भी यहाँ पे एक अच्छी खासी हिस्सेदारी और ये कंटिन्यूसली अपने स्टेक को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ने देखिए रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा सा अपने माल को अपने स्टेक्स को यहाँ पे बेचा है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें ये बताती है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं प्रोमोटर्स FIIs DIIs उनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी है और पब्लिक भी यहाँ पे अभी पब्लिक के हाथ से थोड़ा सा इसके स्टेक्स वगैरह यानी कि इस पर्टिकुलर शेयर उनके हाथ से कुछ निकलते हुए दिख रहे हैं, वो भी बड़े प्लेयर्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल मुझे इस कंपनी के काफी अच्छे लग रहे हैं, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो यही था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज प्राज इंडस्ट्री, हमारे वीकली चार्ट बस्टर्स का पहला स्टॉक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स देखिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था हमारे टेलीग्राम पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ब्लैक बॉक्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, तारीख देख लीजिए August 7, 2023 ₹221 पे, ठीक है August 7। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज को देखें, August 7 किस एरिया के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास, ठीक है। इस एरिया से अगर आप यहाँ पे देखें, इस एरिया से देखिए इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है आप लोगों को, यहाँ पे इसने रिटर्न दिया था ऑलमोस्ट 74% के आसपास का, ठीक है। कितने दिनों में, अगस्त से लेके जून में, 8 मंथ्स के अंदर 74% का रिटर्न, विच इज वेरी गुड। देखिए कंपनी ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम साइडवेज भी हुआ है, अदरवाइज ये कंपनी और भी ज्यादा भागती। इस पर्टिकुलर कंपनी को लाने का यहाँ पे रीजन क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक बार समझाना चाहूंगा। देखिए मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैं आ गया हूँ और इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें, देखिए मैंने इस तरीके से एक मेजर ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहा था, प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद प्राइस रिटेस्ट करने नहीं आता है ना, तो वो एक बड़ी इंपल्सिव रैली के बाद एक बड़ा रिटेस्ट करता है और उसके बाद प्राइस दोबारा से अपने स्ट्रेंथ को गेन करता हुआ मोमेंटम करते हैं। और यहाँ पे हमें वही चीज देखने को मिली, देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, कोई रिटेस्ट नहीं है, इंपल्सिव मूव आया और उसके बाद देखिए फॉल भी जो था वो फॉल भी हमारा यहाँ पे पड़ा था। फॉल एक बार में यहाँ पे इंपल्सिव नहीं हुआ, धीरे 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 करके सारे पेशेंस को चेक कराते हुए यहाँ पे रिटेलर्स की कंपनी गिरी है और उसके बाद देखिए कंपनी ने दोबारा से ये जो रिटेस्ट वाला एरिया था हमारा उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके हल्का सा मैनिपुलेशन किया, उसके बाद देखिए यहाँ से कंपनी किस तरीके से भागती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट 94 तक आया और वहां से डायरेक्ट 350, ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न दे दिया है इस कंपनी ने। कितने महीने में, ऑलमोस्ट 14 महीने के अंदर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए लाने का एक सिंपल रीजन है, ये जो पर्टिकुलर राउंडिंग कर्व इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बनाया है अभी मंथली टाइम फ्रेम पे, इस चीज को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से नोटिस करें तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में एक बहुत ही बम्पर रिटर्न दे सकती है। एक बार को मैंने इस तरीके से मार्किंग कर दी है और यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है ना, इसकी ये जो हाई का है, ये हाई का जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ आया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा रिटर्न दे सकती है। प्लस मैंने देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क किया है, एक हॉरिजॉन्टल रे जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहा था और प्राइस ने देखिए उसे ब्रेक किया, मैनिपुलेशन किया, दोबारा वहां से मूव आया, रिटेस्ट हुआ और एग्जैक्ट उसी एरिया को रिटेस्ट करके देखिए प्राइस मूव कर रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस को मैं सुप्रीम मानता हूं और इसी को मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, ठीक है।
यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ने कितने परसेंट का फॉल दिखाया था, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे फॉल दिखाया था ऑलमोस्ट 72% के आसपास का। सिंपल तरीके से 72% एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से और कितना परसेंट का मोमेंटम कर सकती है। मिनिमम इस एरिया से अगर देखो तो 57 यानी कि 57-60% तक का मोमेंटम आ सकता है और उसके बाद प्राइस ये और भी ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब एक बार को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार को आपके स्विंग के टारगेट्स वगैरह दे देते हैं। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक 350 पे चल रहा है, अब मैं आपको यहाँ पे स्विंग के टारगेट वगैरह दे देता हूँ। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 385 के आसपास का। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे हमारा 420 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ से अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव करता है तो इजीली हमें 20-30% का रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक दिख जाएगा। अब एक बार को हम इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख लेते हैं, चलिए इसके फंडामेंटल्स के चार्ट पे चलते हैं। ओके, ब्लैक बॉक्स देखिए क्या करती है। ब्लैक बॉक्स एक एक्चुअली टेलीकॉम बेस्ड कंपनी है जो टेलीकॉम रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। ठीक है, कंपनी का देखिए मार्केट कैप यहाँ पे 6000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.4, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.1, यानी कि अभी एक एवरेज एरिया पे चल रहा है और यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक और भी मूव कर सकता है। इस पर्टिकुलर कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए शानदार है 30.4 के, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है यहाँ पे 44.1%, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 71%। यू वोंट बिलीव, यहाँ पे जो मुझे फंडामेंटल्स में दिख रहे हैं, दिस कंपनी इज एक्चुअली अ प्योरली मल्टी बैगर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये चीजें हमें दिख रही है, प्रमोटर होल्डिंग यानी कि मैक्सिमम होल्डिंग भी प्रमोटर के पास है। क्वार्टरली सेल्स वगैरह एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली ग्रोइंग दिख रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था क्वार्टरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे चीजें चलती हैं। ये क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी जब अगर छोटे मोटे कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उससे पैसा थोड़ा इधर उधर होता है। नेट प्रॉफिट भी देखिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखिए तो ये कंपनी ठीक ठाक कर रही थी। उसके बाद 2017 में यहां से इसने जो एक रिदम पकड़ा है, 2017 में देखिए 780 करोड़, 733, 1853, देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे राइजिंग दिख रही है हमें सेल्स में ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे। कंपनी के नंबर्स देखिए हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था बट फिर से यहाँ पे कंपनी के राइजिंग मोड में आ गई है। ठीक है, बैलेंस शीट अगर हम यहाँ पे देख ले तो कंपनी के पास रिजर्व है 447 करोड़ के, बोरोइंग्स है यहाँ पे 812 करोड़ के आसपास की, जो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि ये मोर देन वन है। अगर आप देखें तो 1.69 के आसपास है, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आगे चल के दे सकती है। बट इसके चार्ट के अकॉर्डिंग, इसके ये जितने भी फैक्टर्स है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्वार्टरली सेल्स, ईयरली सेल्स, इन सब के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो चीजें आने वाले समय में ठीक हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास देखिए 71.09% की हिस्सेदारी है। एफआईआई इसके पास यहाँ पे 4.81% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास यहाँ पे 23.97% की हिस्सेदारी, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इंडिविजुअल्स भी बैठे हुए हैं, तो अगर ओवरऑल हम कैलकुलेट करें तो सिर्फ 15-16% की हिस्सेदारी यहाँ पे पब्लिक के पास होगी, यानी कि जो मैक्सिमम स्टेक है वो बड़े प्लेयर्स के पास है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो फंडामेंटल्स में सिनेरियो दिख रहे थे वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। चलिए दोबारा से चार्ट पे चलते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, यहाँ पे मैंने टारगेट्स वगैरह दे दिए हैं। तो यही था आज का हमारा सेकंड स्टॉक, दैट इज ब्लैक बॉक्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है पीजीआईएल। पीजीआईएल को देखिए लाने का एकदम सिंपल सा रीजन है मेरा, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैं आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा था। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा था। प्राइस ने उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करा इस एरिया का, प्राइस ने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा, और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लाने का एकदम सिंपल रीजन है, चार्ट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पोल बन रहा था, एक फ्लैग बना, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, सिंपल सेटअप है, ज्यादा यहाँ पे कुछ चीजें मैं नहीं देख रहा, सिंपल तरीके से ये चार्ट मूव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको और एक चीज नोटिस होगी। इस तरीके से अगर आप एक लाइन मार्क करें तो देखिए ये जो हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था इस पर्टिकुलर एरिया का, प्राइस देखिए उसी एरिया के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है और दोबारा से अपने वॉल्यूम को गेन करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, स्विंग के मैं आपको यहाँ पे दो टारगेट दूंगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 820 के आसपास का। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे
900 के आसपास का। बाकी अगर यहाँ पे पूल एंड फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक इस एरिया से मिनिमम इस एरिया तक जा सकता है, ठीक है, जो होगा हमारा यहाँ पे 1700 का लेवल। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक 740 पे चल रहा है, दैट इज PGIL, ठीक है। एक बार हम इसके फंडामेंटल्स वगैरह भी देख लेते हैं, चलिए इसके फंडामेंटल के स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, हम आ गए हैं देखिए पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड के फंडामेंटल के स्क्रीन पे। देखिए स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 19 का है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.06 का है। तो अगर आप मुझे इस जगह पे पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका है, क्या इसमें पोटेंशियल है? हाँ, इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी इंडस्ट्री से काफी सस्ता है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में मूव कर सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, अब यहाँ पे फंडामेंटल्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग 66.2% के आसपास की है, कंपनी का यहाँ पे डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है, मोर देन 0.5 है, ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव होता है, बट मोर देन 1 अगर होता है तो ज्यादा हमें सोचना पड़ता है, यहाँ पे लेस देन 1 है तो उतनी ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बार को देखिए हम इसके क्वार्टरली सेल्स वगैरह देख लेते हैं। कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोइंग नंबर शो कर रही है, क्वार्टरली बेसिस पे भी एक काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी उभर के आ रही है। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे अगर हम सेल्स वगैरह देखिए सेल्स वगैरह यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे, फिर बीच में थोड़े से कम हुए थे, उसके बाद देखिए कंपनी लास्ट 4 साल से यहाँ पे अपने नंबर्स को फिर से यहाँ पे इम्प्रूव करती हुई दिख रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है ये भी कंपनी का कंटिन्यूअसली हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार को हम इसके बैलेंस शीट पे चले जाए, देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स है 780 करोड़ के आसपास का, कर्ज है यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास का, तो ये अगर कंपनी चाहे तो पे ऑफ कर सकती है, उसके पास अवेलेबल कैश है, ठीक है। इन्वेस्टर्स पे एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए प्रमोटर्स के पास 66.19% की हिस्सेदारी है, FIS के पास 5.45% की हिस्सेदारी है, BIS के पास यहाँ पे कुछ खास हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक के पास मात्र 27.87% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक में अगर देखिए तो देखिए यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं जिनके पास ऑलमोस्ट 11% की हिस्सेदारी वो दो खुद लेके बैठे हुए हैं। तो अगर हम ठीक ठाक देखें तो यहाँ पे मात्र 15-16% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास होगी। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर ये देखिए तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी कंपनी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, चार्ट भी इस कंपनी का काफी अच्छा है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी हम यहाँ पे रडार पे रखेंगे, दैट इज PGIL, ठीक है। बढ़ते हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ, आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है उमंग डेयरी। देखिए उमंग डेयरी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे पहले एक बार शेयर किया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये था मेरा वो एरिया जहां पे मैंने उमंग डेयरी सबसे पहले एक बार शेयर किया था, ये था हमारा वो एरिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया से देखिए इसने यहाँ पे मैंने चार टारगेट आपको दिए थे, ओवरऑल ये जो रेंज था 60% के आसपास का रेंज था, प्राइस ने कितने परसेंट के आसपास तक का रिटर्न दिया था, यहाँ पे इसने रिटर्न दिया था 37% के आसपास तक का, बट काफी समय बिताने के बाद उसके बाद देखिए इसने दोबारा से एक बार यहाँ पे फॉल करा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार अगर हम आ जाए ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले एक बार मैं ये जितने भी मार्किंग्स हैं इनको एक बार हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको चीजें दोबारा से मैं क्लियर समझा सकूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे देखिए हम दोबारा से आ गए हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार को इसने यहाँ पे इस तरीके से रैली करी थी, प्राइस ने फॉल करा, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे डबल कर्व बना रहा है, ये हो गया हमारा पहला कर्व, ये हो गया हमारा कप, और ये हो गया हमारा हैंडल, ठीक है। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है मंथली टाइम फ्रेम पे, ऑब्वियस सी बात है कप एंड हैंडल इज एक्चुअली अ बुलिश पैटर्न, और ये पर्टिकुलर स्टॉक का ये जो चार्ट है अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो टारगेट होंगे वो भी काफी बड़े होने वाले आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से टारगेट डिसाइड करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एरिया मार्क कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, जो होगा हमारा ये वाला एरिया दैट इज 101। यहाँ पे देखिए पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कप का डेप्थ है वो कितना है, जो हैंडल का डेप्थ है वो कितना है, उसने यहाँ पे फॉल करा था 60% के आसपास का, एक बार को 60% तक का एरिया हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा टारगेट यहाँ पे हैंडल के अकॉर्डिंग, और एक बार को हम इसके कप का डेप्थ मार्क कर लेते हैं तो कप के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो 72%। तो यानी कि अगर हम ओवरऑल टारगेट्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक कैन रीच अप टू दिस एरिया दैट इज 180, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से और भी 80% तक मूव कर सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको टारगेट वगैरह दे देता हूँ, 108 पे चल रहा है, 108 के बाद यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारे यहाँ पे 120 के आसपास का, और हमारा जो स्विंग का नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 133 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज
उमंग डेयरी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को आप देख सकते हैं, बाकी मेरे जो पहले के टारगेट्स थे उन्हीं के आसपास ये दोनों टारगेट्स आ रहे हैं, तो आप इनको यहाँ पे एज अ फर्दर टारगेट देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप खुद से भी एक बार इन स्टॉक्स को एनालाइज कर लें, ठीक है। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।